हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एकर्सअप। तो यार, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था किस तरह से आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन में दो कैटेगरीज के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से हमने पढ़ा था फंक्शंस विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू एंड फंक्शंस विदाउट आर्ग्यूमेंट्स विद रिटर्न वैल्यू। ये दो कैटेगरीज के फंक्शंस हमने कवर कर लिए थे इससे पिछले वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स, मतलब फंक्शन की जब कॉलिंग होगी तब आप उसमें आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। फंक्शंस जो होगा वो आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और एक और टाइप का है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। इसमें फंक्शन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट भी करेगा और एक वैल्यू रिटर्न भी करेगा। तो इन दोनों टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं यार। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लग रही है आपको। तो यार, यहाँ पे मैं अपना कोड ब्लॉक ओपन कर लिया है और मैं बताने जा रहा हूँ आपको फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स विदाउट रिटर्न वैल्यू। फंक्शन मेरा आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा मगर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ वर्ड सम नाम से, जिसके अंदर मैं एक ए पास करता हूँ और कोमा लगा के इंट बी, दो वेरिएबल मेरा ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। और एक इंट सम इज इक्वल टू 0 मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। सम के अंदर मैं ए प्लस बी और प्रिंट एफ सम। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज़ आपको समझ आई होगी मैंने क्या करा है। अब देखो मैं क्या करूँगा। फंक्शन आपको पता है कि प्रोग्राम में एक मेन होता ही है, मेन से ही एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो वर्ड मेन मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ और मेन के अंदर मेरे को जस्ट कॉलिंग करनी है इस फंक्शन की। तो मैं कॉलिंग कैसे करता हूँ, मैंने पहले बताया था। जिस भी नाम का आपका फंक्शन है उसको और ऐसे ब्रैकेट दे देना है आपको और यहाँ पे सेमी कोलन। ये फंक्शन की कॉलिंग हो चुकी है, लेकिन ये फंक्शन जो मैंने फंक्शन बनाया है वो मतलब पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स मांग रहा है। तो इसके अंदर मेरे को आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ेंगे। आर्ग्यूमेंट्स जैसे ये देखो, ये मैंने वेरिएबल पास कर दिए हैं। अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे एक इक्वल्स टू आएगा। अब देखो देखो सम इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये प्रोग्राम काफ़ी बढ़िया से रन हो चुका है, आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। यहाँ पे आप ऐसे वेरिएबल्स भी पास करते हैं। अगर इंट में ले लो इंट ए इज इक्वल टू 5 और इंट बी इज इक्वल टू 4। और मैं अगर ऐसे कर दूँ इसको ए बी, अब डायरेक्ट वेरिएबल्स को भी पास कर सकते हैं। देखो अभी भी 9 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी पास कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जहाँ ये जैसे इंट है ए बी वही रखने हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं सी लिख लेता हूँ इसको और इसको डी लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं सी पास कर देता हूँ और यहाँ पे डी पास कर देता हूँ। देखो अभी भी आउटपुट मेरा सही आया है। तो यार उम्मीद है आपको समझ आया होगा किस तरह से आप फंक्शन के पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। मतलब इसमें तो रिटर्न नहीं कराया, अब मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से आप फंक्शन से पैरामीटर को पास भी करना है और फंक्शन से ही वैल्यू को रिटर्न भी करना है। तो यार अब देखते हैं ऐसा फंक्शन जो वो आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट भी करेगा और कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड। और देखो यही गलती करते हैं लोग, वॉइड नहीं इंट या फिर कि जिस भी टाइप का आप वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हो। मैं इंटीजर टाइप का सम रिटर्न करवाना चाहता हूँ इसलिए मैंने इंट लिखा है। अगर आपकी वैल्यू फ्लोट आने वाली है, बुलियन आने वाली है, तो आप उसी टाइप का फंक्शन बनाइए और उसी टाइप की यहाँ पे डिक्लेरेशन दीजिए। ठीक है, तो मैं इंट सम लिख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सम जो है इंटीजर टाइप का ही है वही रिटर्न हो। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ इंट ए और इंट बी, ये मेरी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे ए बी। अब देखो ए बी आ गया। अब मैं चाहता हूँ एक इंट सम ले लेता हूँ जिसको मैं 0 दे देता हूँ। सम इज इक्वल्स टू मैं दे देता हूँ ए प्लस बी और सिंपल है यार, बड़ा सिंपल है, रिटर्न सम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, वही मेन फंक्शन बनेगा एक वॉइड मेन, जिसके अंदर मैं करूँगा कॉलिंग और उस कॉलिंग के बाद मेरे को उसकी वैल्यू को स्टोर भी करना है किसी वेरिएबल में। तो मैं एक पहले वेरिएबल बनाता हूँ एस यू नाम से। ठीक है, और एस यू कॉलिंग करेगा किसको, फंक्शन को, सम को। और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ कोई,
जिसका एडिशन मेरे को SU में सेव हो जाएगा, और मैं करा लेता हूँ सिंपली प्रिंट एफ डबल कोट्स सम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे SU, ठीक है। अब देखो, और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बताऊँगा मैं अभी। देखो, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो सिंपल मेरा आउटपुट 7 आ गया है, 4 और 3 का सम 7, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ तो यार, मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट करा सकता हूँ। अगर आपकी एक ही स्टेटमेंट आप रिटर्न करवाना चाहते हैं तो A+B, देखो अभी भी 7 आउटपुट आया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ देखो, अगर मैं इस चीज़ को हटा दूं, यार इसको हटा देता हूँ, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है, मैं चाहता हूँ यहीं पे उसकी उसकी वैल्यू आए। तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार सम, और यहाँ पे लगाया मैंने एक 5 और 6 पास कर दिए, ठीक है। तो अब देखते हैं एक बार, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आउटपुट 11 आ गया है। तो इस तरह से भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट उसकी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, ना कि कोई वेरिएबल बनाना पड़े, ठीक है। तो उम्मीद है यार आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्टेंट के साथ। धन्यवाद।